नमस्कार जी, मैं सुरदीप आपके लिए लेकर आई हूँ बड़ी ही मजेदार कहानी, बंदर और कछुए की। एक तालाब में एक कछुआ रहता था। वह प्रतिदिन बड़े मजे से रहता था। एक दिन तालाब के किनारे बैठा हुआ था, तभी उसने पानी में किसी चीज को तैरते हुए देखा। वह पानी में गया और उसने देखा कि वह केले का पेड़ था। वह उसे धकेलता हुआ तालाब के किनारे ले आया, पर उससे बाहर नहीं निकला। वह जंगल की ओर भागा और जंगल में से उसे एक बंदर मिला। वह उस बंदर को बोला कि भाई, मैं केले के पेड़ को तालाब के किनारे ले आया, परंतु वह मुझसे बाहर नहीं निकल रहा। आप मेरी मदद कर दो, आपको भी मैं उसमें से आधा हिस्सा दे दूंगा। बंदर प्रसन्न हो गया और कछुए के साथ साथ तालाब के किनारे आ गया। दोनों ने मिलकर उसे बाहर निकाल दिया और जंगल में ले जाकर रख दिया। फिर कछुआ बोला कि भाई, आप कौन सा भाग लोगे? बंदर हरे वाले भाग को देखकर बोला कि मैं तो आगे वाला हिस्सा लूंगा। कछुआ राजी हो गया और बंदर ने केले के पेड़ को बीच से काट दिया और बंदर ने अपने स्थान पर उसे पेड़ के आधे हिस्से को लगा दिया। परंतु फिर से कछुए से वह केले का पेड़ नहीं लगा। कछुआ फिर से बोला कि बंदर भाई, यह पेड़ मेरे जंगल में लगवा दो प्लीज। बंदर ने उसकी बात सुनकर उसकी मदद कर दी। कुछ दिनों पश्चात बंदर का पेड़ तो मुरझाकर सूख गया और कछुए का पेड़ हरा भरा हो गया। कुछ दिनों बाद केले के पेड़ पर छोटे छोटे केले आने लगे और वह कुछ दिनों बाद पक गए। परंतु फिर से कछुए से केले नहीं टूट रहे थे। फिर से कछुआ बंदर के पास गया और बोला, बंदर भाई, मेरे को केले तोड़ के दे दो ना। बंदर फिर से राजी हो गया और वह केले के पेड़ पर चढ़ गया और केले तोड़ तोड़ कर बंदर खुद ही खाने लगा। कछुआ बोला, भाई एक या दो मुझको भी दो। बंदर कछुए के ऊपर हंसा और बोला, तूने मेरे साथ में धोखा किया है। तूने अच्छा वाला हिस्सा रख लिया और मुझे खराब हिस्सा दे दिया। कछुआ बोला, भाई आप ही तो अपने मन से अच्छे वाले हिस्सा लिया था, इसमें मेरी क्या गलती है। फिर से बंदर ने कछुए की बात नहीं मानी और केले के पेड़ पर बैठकर केले खाने लगा। कछुए को बहुत क्रोध आया। वह जंगल की ओर गया और जंगल के आजू बाजू से झाड़ियाँ काटकर लेकर आकर केले के पेड़ के चारों ओर बिछा दी। जैसे ही बंदर नीचे उतरने लगा, उसके झाड़ियों के कांटे चुभ गए। बंदर बहुत जोर से चिल्ला पड़ा। कछुआ जल्दी से तालाब की ओर भाग गया और पानी में जाकर बहुत जोर जोर से हंसने लगा। बंदर बहुत दुखी हुआ। फिर दूसरे दिन कछुआ वापस आया और उसने देखा कि मेरे केले के पेड़ से कौन केले ले गया, और जब मैं केला खाता ही नहीं तो ये मेरा केले का पेड़ किस काम का। वह जंगल की ओर गया और उसे एक चूहा दिखाई दिया। चूहे को बोला, चूहा भाई, मेरी एक मदद कर दो ना, उसमें से मैं आपको आधा हिस्सा दूंगा। चूहा कछुए के साथ साथ उस केले के पेड़ के पास आया। चूहे ने अपने मजबूत दांतों से उस पेड़ को काट के गिरा दिया। इससे कछुआ बहुत प्रसन्न हुआ। कछुए ने कहा, चूहे भाई, इसमें से आधे केले तुम ले लो और आधे मैं ले लेता हूँ, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो दोनों ने आधे आधे केले बांट लिए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से बच्चों हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी की मदद करें तो अच्छे भाव और प्रेम से करें, ना कि ऐसे करें कि दूसरे वाला हम ऊपर क्रोधित भी हो और उसका काम भी विफल रहे। तो जब भी किसी की मदद करो, अच्छे मन से करो। तो हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन पे जाके ऑल पे जाके प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी और ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।